सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर सोहन टेक। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में हर एक नया यूट्यूबर और हर एक नया क्रिएटर जानना चाहता है। तो दोस्तों, वो टॉपिक है कि आप यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकते हैं, या फिर यूट्यूबर्स ने अभी तक जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब पर सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं, वो मंथली कितना कमाते हैं और कितना आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके कितना मंथली अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आप किस तरह यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो सवाल है उसका आंसर हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं कि जब कोई नया यूट्यूब पर कोई क्रिएटर आता है तो वो यही सपना लेकर आता है कि मुझको एक यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर ग्रो करना है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, और उसके बाद जो उसका जो चैनल होता है वो मोनिटाइज हो जाता है और एडसेंस के जरिए उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एडसेंस ही एक जरिया नहीं होता है आपके चैनल से अर्निंग करने का। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम थोड़ा नजर डालते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी हुए, मनोज देव हुआ, जो नामी और फेमस जो यूट्यूबर्स हैं वो कितना कमा रहे हैं या कितना कमा चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल गुरुजी की। दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी के जो चैनल के ओनर हैं गौरव चौधरी, उन्होंने जो अपना चैनल है वो आज से 6 या 7 साल पहले स्टार्ट किया था। जो शर्मा जी टेक्निकल जो उनके कॉलेज में पढ़े थे, उनसे उन्होंने अपना कोलैब किया। उसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर अच्छे अच्छे टिप्स दिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाई और उससे उनका चैनल बहुत तेजी के साथ ग्रो हुआ। लेकिन इससे उनको बहुत फायदा हुआ, उसके जरिए उस चैनल के जरिए उन्होंने एडसेंस से भी कमाई की। और जब उनका चैनल पॉपुलर हो गया, मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए, तो गूगल एडसेंस के अलावा भी उनको स्पॉन्सरशिप्स आने लगी है, जिससे वो मंथली करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, टेक्निकल गुरुजी की जो मंथली अर्निंग है वो 40 से 45 लाख रुपया आपके उनके यूट्यूब चैनल से होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं मनोज दे की। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मनोज दे ने 3 से 4 साल पहले अपना चैनल स्टार्ट किया था और एक चैनल उनका टर्मिनेट हो गया था, एडसेंस उनका डिसेबल हो गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यूट्यूब पर हार नहीं मानी और वीडियोज बनाना जारी रखा दूसरे चैनल पर। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उनके भी सब्सक्राइबर बढ़े, उनका भी थोड़ा चैनल पॉपुलर होने लगा और आज आप जान सकते हैं कि कैसा एक छोटा गरीब यूट्यूबर आज महीने का लाखों रुपया कमा रहा है। उनका अपना कार है, अपना बाइक है और यूट्यूब के जरिए ही उन्होंने काफी पैसा अर्न कर लिया है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था, आज के टॉपिक में मैं बस आपको इसी चीज पर गौर करने वाला था, या इस वीडियो में मैंने बताया कि आप भी किस तरह YouTube पर आकर अपना YouTube चैनल स्टार्ट करके तथा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करके आप भी अपना एडसेंस मोनेटाइजेशन करा सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी, एडसेंस के अलावा भी आप स्पॉन्सरशिप से जो है YouTube चैनल के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज यूट्यूब पर अभी मत आइए, अभी अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर आने के लिए आपको कम से कम 50% यूट्यूब पर ध्यान देना होता है। इससे आपका दोस्तों समय भी आपको काफी देना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों थंबनेल बनाने में, एडिटिंग करने में और बहुत सारी चीजें यूट्यूब से रिलेटेड होती है, उनमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों, स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज अभी YouTube पर मत आइए, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना ग्रेजुएशन या 12th वगैरह पास कीजिए, उसके बाद ही YouTube पर आने का सोचिएगा। क्योंकि दोस्तों, YouTube में आने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद ही कहीं जाके आपका YouTube चैनल ग्रो होता है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्योंकि दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब से रिलेटेड और टेक टिप्स से रिलेटेड वीडियोज मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा और हो सके तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एंटरटेन और आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।